नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूँ पारुल त्यागी। खबरों का रुख कर लेते हैं। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का आज यूपी दौरे का दूसरा दिन है। जी हाँ, आज लखनऊ के सरोजनी नगर स्थित कैप्टन मनोज पांडे सैनिक स्कूल की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर डायमंड जुबली समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शामिल होंगे। और इसी के साथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पूर्व मुख्यमंत्री संपूर्णानंद के नाम पर बनाए गए ऑडिटोरियम का उद्घाटन भी करेंगे। साथ ही बता दें, गर्ल्स हॉस्टल की नींव भी रखेंगे। वहीं राष्ट्रपति संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के 26वें दीक्षांत समारोह में भी बतौर मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लेंगे। वहीं राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो बता दें, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद यूपी के 4 दिवसीय दौरे पर हैं। ऐसे में कल वो लखनऊ में पहुंचे थे, जहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और आज भी उनके कई कार्यक्रम होने वाले हैं। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारी ब्यूरो चीफ रूबी सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रूबी, क्या कुछ अपडेट है आज राष्ट्रपति के कहां कहां कार्यक्रम होने वाले हैं और किस किस समय पर होंगे? सबसे पहले बता दूं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का दूसरा दिन है यूपी दौरे का और लखनऊ में आज कई जगह पे कार्यक्रम में शामिल होंगे। जैसे की लखनऊ के सरोजनी नगर जगह पे कैप्टन मनोज पांडे स्कूल है, वहाँ की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर डायमंड जुबली यानी कि इस समारोह में शामिल होंगे। और इसके साथ ही साथ पूर्व मुख्यमंत्री संपूर्णानंद के नाम पर बनाए गए ऑडिटोरियम का भी उद्घाटन करेंगे। लखनऊ में गर्ल्स हॉस्टल के एक नींव भी रखेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, ये पहली पहल होगी। और संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट का भी यहाँ पे दीक्षांत समारोह है, उसमें भी बतौर मुख्यमंत्री शामिल होंगे। साथ ही साथ ये भी बता दूं आपको, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जो यूपी दौरा है, इसके संपन्न होने के बाद 4 मनोनीत विधान परिषद सदस्यों के नाम की सूची भी तैयार की गई है और इसके बाद ही मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख भी तय होने की संभावना है। यानी कि सियासी दाव पेच भी इसको माना जा रहा है। और इसके साथ ये भी देखा जा रहा है कि राष्ट्रपति के आने के बाद कुछ प्रोग्राम जो उनके मुख्यमंत्री के अधूरे थे उनके हाथों पूरा करवाया जा रहा है। और जो मंत्रिमंडल का विस्तार है, इनके जाने के बाद ही ये माना जा रहा है जो पद अभी खाली पड़े थे, यानी कि जो का जो दौरा है, इन दोनों को जोड़कर देखा जा सकता है, निश्चित तौर पे कहा जा सकता है, क्योंकि ये अहम दौरा माना जा रहा है। क्योंकि चुनाव की तारीख अब करीब आ रही है और विधानसभा चुनाव काफी अहम भूमिका निभाने वाली है, इसलिए बीजेपी अपनी पूरी तैयारी में जुट चुका है। और ऐसे में राष्ट्रपति का यूपी दौरा एक बिल्कुल अहम माना जा रहा है, क्योंकि इनके जाने के बाद ही विस्तार मंडल होगा, यानी कि मंत्री विस्तार मंडल होगा। तो ऐसे में कहना कोई गुरेज नहीं होगा, ये कह सकते हैं कि ऐसे में कोई कहना जल्दबाजी भी नहीं होगा कि रामनाथ कोविंद का आना यूपी दौरा का होना एक कहीं ना कहीं सियासी दावपेच जरूर है। जी बिल्कुल रूबी, और क्या कल कुछ कार्यक्रम रहने वाला है राष्ट्रपति का? लखनऊ के अलावा इनकी कई जगह पे कार्यक्रम, पहले से 7 दिन का दौरा बता दिया गया था। लखनऊ के आसपास की कई जगहों पे जाएंगे, इनका प्रोग्राम तय है, निश्चित है। लखनऊ में आज इनका पूरे दिन का प्रोग्राम है, शाम तक में इनका प्रोग्राम यानी कि 6 बजे तक बताया गया है कि खत्म होगा। और उनके साथ राज्यपाल और मुख्यमंत्री, कई विधायक, कई मंत्री भी शामिल रहेंगे। साथ ही साथ प्रोटोकॉल होता है, मुख्यमंत्री रहेंगे, तो इसलिए इनके साथ साथ सारे प्रोग्राम में लगभग जो प्रेसिडेंट है उनके साथ इनका शामिल होना तय है। जी चलिए रूबी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का यूपी का 4 दिवसीय दौरा है, जिसका आज दूसरा दिन है। ऐसे में आज लखनऊ में भी उनके कई कार्यक्रम हैं। गर्ल्स हॉस्टल की नींव वो रखेंगे और इस बता दें, सभी कार्यक्रमों में उनके साथ मुख्यमंत्री और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहेंगी। साथ ही सुरक्षा के भी हर इंतजाम कर दिए गए हैं। हालांकि अयोध्या भी 29 अगस्त को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जाएंगे और अयोध्या में वो रामलला के दर्शन करेंगे, इसीलिए अयोध्या भी पूरी तरह से तैयार है राष्ट्रपति के स्वागत के लिए और सुरक्षा के खासा इंतजाम भी किए गए हैं।
कुशीनगर के रामकेला थाना क्षेत्र में अंसारी टोला के मदरसा इरशादुल अरबिया मदरसे में शराब का अवैध कारोबार चल रहा था। स्वाट टीम और आबकारी विभाग ने रामकोला पुलिस के साथ मिलकर मदरसा में नकली शराब बनाने का भंडाफोड़ किया है। वहीं पुलिस की तरफ से मदरसे के प्रबंधक समेत कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। वहीं इस संयुक्त टीम की कार्रवाई में 120 लीटर स्प्रिट और देशी शराब पैकिंग करने की सामग्री भी पुलिस ने बरामद की है। तो आपको बता दें, कुशीनगर का पूरा मामला है जहां पर मदरसे में ये अवैध शराब का कारोबार चल रहा था और ऐसे में पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। साथ ही पुलिस ने स्प्रिट 120 लीटर पकड़ी है, देसी शराब पकड़ी है, साथ ही शराब बनाने की सामग्री भी जब्त की गई है। तो बता दें, पुलिस और आबकारी विभाग को ये बड़ी सफलता लगी है हाथ, जहां पुलिस ने मदरसे में शराब का जो अवैध कारोबार चल रहा था उसको पकड़ने में सफलता हाथ लगी है पुलिस की और उसका भंडाफोड़ पुलिस ने कर दिया है। और हालांकि इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिल रही है कि कब से इस मदरसे में जो है शराब का यह अवैध कारोबार चल रहा था और कितने लोग इसमें संलिप्त थे, कितने लोग इसमें दोषी थे। हालांकि कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में जरूर लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। और पूरा मामला बता दें, टोला के मदरसा इरशादुल अरबिया मदरसे का ये मामला है जहां पर शराब का अवैध कारोबार फल फूल रहा था और ऐसे में स्वाट टीम और आबकारी विभाग ने रामकोला पुलिस के साथ मिलकर इस बड़ी सफलता को हासिल किया है और मदरसे में नकली शराब बनाने का भंडाफोड़ कर दिया है। तो कुशीनगर का पूरा मामला है जहां पर मदरसे में शराब का अवैध कारोबार चल रहा था और पिछले काफी समय से यह अवैध कारोबार चल रहा था और ऐसे में अब पुलिस को और आबकारी विभाग को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल बता दें कि ये मदरसा में नकली शराब बनाई जा रही थी, पुलिस ने जब वहां पर पहुंची तो पुलिस ने नकली शराब बनाने की सामग्री भी जब्त की है। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ कुशीनगर से हमारे संवाददाता ओपी गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओपी गुप्ता, क्या कुछ अपडेट है? कल भी ये जानकारी मिली थी कि मदरसे में ये नकली शराब बनाने का कारोबार हो रहा था, अब इस पूरे मामले में क्या कुछ अपडेट है? जी मैडम, मैं बताना चाहूंगा कि जहां मदरसा है वो गांव के बाहर है जी, और इसमें काफी दिनों से ये जुस्ता मिली है, काफी दिनों से शराब बनाए जा रहे थे और ये पुलिस के संरक्षण में जानकारी में था मैडम जी। और इसको जब ये जब आबकारी विभाग की टीम संयुक्त रूप से छापामारी की है तब जाके मामला खुला है, नहीं तो ये मामला खुलता नहीं। और जहरीली शराब से इस जिले में काफी लोग मर भी चुके हैं, तरियासुजान थाना भी गवाह है और आज भी अवैध शराब का कारोबार इस बाड़ा इलाके पे, चूंकि ईपी बिहार का सीमा है ये, और बाड़ा इलाके पे धड़ल्ले से हो रहा है जी। ओपी गुप्ता, क्या इस बारे में कोई जानकारी है कि मदरसे में अभी बच्चों को पढ़ाया जा रहा था या नहीं पढ़ाया जा रहा था या बंद था मदरसा? मैडम, मैं बताना चाहूंगा कि मदरसा बंद था, उसमें वो उसी का लाभ लेके ये शराबबंदी की जा रही थी, क्योंकि कोरोना काल लेके तमाम विद्यालय बंद थे जी। और चूंकि गाँव से काफी दूर है ये मदरसा, इसलिए इसका लाभ उन सबों ने काफी दिनों से लिया है और जहरीली शराब का ये पैकिंग काफी दिनों से चला रहा था और पुलिस के संज्ञान में ये बात रही है और किसी तरह से मामला जब ओपन हुआ है तब पुलिस ने ये आबकारी विभाग के साथ संयुक्त कार्रवाई किया है। ओपी गुप्ता, क्या इस बारे में कोई जानकारी है कि ये पहला ही मामला इस तरह से इस मदरसे से सामने आया या इससे पहले भी इस तरह की कोई घटना इस मदरसे में हो चुकी है? नहीं मैडम, अभी तक तो ये मदरसे में पहली घटना आई है सामने, क्योंकि इसके पहले ये किस तरह का संज्ञान में नहीं आया था बात, क्योंकि गांव के बाहर का मामला था इसलिए सब लोग अनभिज्ञ थे और ये पहला मामला है जो मदरसे से ये काम और शराब की बरामदगी और ये टीम बरामद की है
जी ओपी गुप्ता, एक बात और जानना चाहूंगी। देखिए, स्कूल हो या मदरसा हो या जहां भी बच्चों को पढ़ाया जाता हो, उसे शिक्षा का मंदिर कहा जाता है। लेकिन अगर उस शिक्षा के मंदिर में इस तरह का कारोबार किया जाएगा, इस तरह का कारोबार फल फूल होगा, तो फिर किस तरह से बच्चों को शिक्षा दी जाएगी? क्योंकि देखिए, अभी तो कोरोना का समय था, इसलिए स्कूल और मदरसे बंद है। लेकिन अगर मान लीजिए, अगर ये मदरसा नहीं बंद होता और कोरोना का समय नहीं होता, क्या फिर भी इस तरह की जो काम है वो वहां पर किया जाता? नहीं मैडम, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो शिक्षा का मंदिर है। चाहे वो मदरसा हो, चाहे विद्यालय हो, जहां बच्चे पढ़ते हैं, इस तरह का कृत्य नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ इस तरह के व्यवसायी हैं जो व्यवसाय करने वाले हैं दो नंबर के। और एक चीज मैडम मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि ये बिहार में जो शराबबंदी हुआ है जी, उसका काफी प्रभाव उत्तर प्रदेश की, ये क्योंकि बॉर्डर का इलाका है, बिहार से सटे है, ये इसका लाभ इन लोगों के द्वारा लिया जा रहा है। और यही कारण है कि बिहार के बॉर्डर पे आज भी सर्वाधिक शराबबंदी के दौरान ये अवैध धंधा ये चालू है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी अभी जो घटना घटी है शराब कांड, तो उस पर एक्शन लिया है। लेकिन इस जिले में इसके पहले भी हुआ है, काफी लोग मारे जा चुके हैं जहरीली शराब से। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार की एक ठोस पहल और इस पे कार्रवाई आवश्यक है। बिल्कुल ओपी गुप्ता, और क्या इस पूरे मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी हो पाई है? क्योंकि जानकारी ये मिल रही है कि कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। मैडम मौके से तो अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन वैसे पुलिस ने जो गिरफ्तारियां अभी की हैं, लेकिन ये रिकॉर्ड नहीं है, रिकॉर्ड से बाहर है। ये अभी जो पुलिस या कप्तान साहब के द्वारा जब पीसी की जाएगी तो ये सारी डिटेल मालूम होगा। जी चलिए ओपी गुप्ता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुशीनगर का ये पूरा मामला है जहां पर मदरसे में शराब का या अवैध कारोबार किया जा रहा था, और अब स्वात टीम और आबकारी विभाग ने रामकोला पुलिस के साथ मिलकर मदरसे में नकली शराब बनाने का ये भंडाफोड़ किया है। वहीं पुलिस की तरफ से मदरसे के प्रबंधक समेत कई लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। वहीं संयुक्त टीम की कार्रवाई में 120 लीटर स्प्रिट और देशी शराब पैकिंग करने की सामग्री भी पुलिस ने बरामद कर ली है और सभी को नष्ट भी कर दिया है। रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र में कोर कॉलेज के पास पुलिस ने भारतीय किसान यूनियन के किसानों को रोक दिया था, और इस दौरान किसानों और पुलिस के बीच हल्की नोकझोंक भी हुई। किसान अपनी मांगों को लेकर एसएसपी हरिद्वार का घेराव करने के लिए जा रहे थे। बता दें कि भारतीय किसान यूनियन तोमर के किसान बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर अपनी कुछ मांगों को लेकर एसएसपी हरिद्वार का घेराव करने के लिए निकले थे, लेकिन जैसे ही वो हरिद्वार रोड स्थित कोर कॉलेज के पास पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया। और इस दौरान किसानों ने भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद के नारे भी लगाए। किसानों का कहना है कि वो अपनी कुछ मांगों को लेकर एसएसपी हरिद्वार से मिलने के लिए जा रहे थे, लेकिन पुलिस की तरफ से उन्हें रोक दिया गया है। और उनका कहना है कि पुलिस उन्हें बिना किसी वजह के ही परेशान कर रही है। उनका कहना है कि उन्हें कई तरह की दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। गन्ने का भुगतान नहीं होने से मिलों के खिलाफ किसानों में काफी गुस्सा है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो वो अनिश्चितकाल के लिए धरने पर बैठ जाएंगे। तो रुड़की का ये पूरा मामला है जहां पर एसएसपी का घेराव करने जा रहे थे किसान, जिनको पुलिस ने रोक दिया। हालांकि इस दौरान पुलिस और किसानों के बीच थोड़ी नोकझोंक भी हुई। वहीं बता दें, किसानों का कहना है कि अगर हमारी मांगे नहीं पूरी की गई, हमारी मांगे नहीं मानी गई, तो हम अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगे। ऐसे में किसान काफी परेशान है और इसी को लेकर एसएसपी का घेराव करने के लिए किसान जा रहे थे, जिन्हें रास्ते में ही पुलिस ने रोक दिया। हमने कई दिन पहले प्रेस वार्ता करी थी हरिद्वार और नोटिस कर दिया था कप्तान साहब के यहाँ से। एक तो हमारा गन्ना भुगतान नहीं हो रहा, एक हमारे भूमि अधिग्रहण के मामले जो रोड में जमीन जा रही अब तक उनके क्लेम नहीं आए, बहुत परेशानी पड़ रही किसानों को। एक बैंक वालों ने हम ऐसा कर दिया जो हमारा कृषि कार्ड हो उसको पेनल्टी पर पेनल्टी और उसे दोबारा रिन्यू करवा पर ब्याज तो हमें दे रहे, भूमि तो हमारी बंधक हो रही, लेकिन उसमें हमें बहुत परेशानी कर रखी। बैंक वालों की व्यवस्था भी खराब हो इकबालपुर मिल को पिछले 2 साल का गन्ना बगैर भुगतान हो, वो आज तक भुगतान नहीं हुआ।
कप्तान साहब के यहाँ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि जहाँ भी किसी धरने पर चले जाएं तो तुरंत पुलिस आवो। तो पहले भाई कप्तान साहब पुलिस के यहीं चल रहे, सारा सामान लेकर चले गाँव से, और जब तक हमारी मांग नहीं माननी जाएंगी जब तक धरना वहाँ बरकरार चलेगा। अब ये जैसे हम यहाँ रोक लिए पुलिस वालों ने, हम एसपी साहब से पूछेंगे, भाई साहब हम घर जेल में गिर तो बैठेगा, हम सड़क पर आप मांग क्यों मांग रहे, क्यों बोल रहे हम? आज जब लोग बोल लेंगे नहीं भाई साहब, जब लोग नहीं रोला रहेगा। मैं तो अब भी कह रहा ये पुलिस वाले हमें नहीं रोकने के, हम तो अब भी चल देंगे अंदर। ये एक प्रोटोकॉल हो गया या भाईचारा हो गया जो हम यहाँ रुक रहे हैं, और नहीं तो ये रोक लेंगे हम। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इंतजार रजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंतजार के किसान एसएसपी कार्यालय का घेराव करने जा रहे थे, क्या कुछ किसानों की मांगे हैं? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, जो किसान है तो किसान एसएसपी कार्यालय का घेराव करने जा रहे थे अपनी कुछ प्रमुख मांगों को लेकर, जिनमें जो गन्ने का जो भुगतान है उसको उन्होंने प्रमुखता से दिखाया था कि जो गन्ने का भुगतान नहीं हो पा रहा है तो, और अन्य जैसे किसान आंदोलन चल रहा है पिछले के कुछ महीनों से, तो जगह जगह किसान टोल प्लाजा या अन्य जगहों पर आंदोलन को चला रहे हैं, जमे हुए हैं एक आंदोलन के रूप में। जी जी इंतजार, और कहीं ना कहीं किसानों का ये भी कहना है कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगे, प्रदर्शन करेंगे लगातार। अब लेकिन किसानों को जब रोक दिया गया, हालांकि पुलिस और किसानों में नोकझोंक भी हुई, अब आगे किसानों का क्या करेंगे? जी देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, जब बॉर्डर पर किसान पहुंचते हैं तो भारी पुलिस बल पहले से तैनात वहां पे किया गया था, और किसानों को एसएसपी कार्यालय घेराव करने के जो जा रहे थे किसान, तो उनको इस बॉर्डर में रोक देगा, चाहे भगवानपुर का बॉर्डर हो, चाहे नाटन रुड़की का बॉर्डर हो, चाहे शीजापुर का बॉर्डर हो, अन्य बॉर्डरों पर किसानों को रोका गया, और एसएसपी हरिद्वार खुद वहां पर पहुंचे हुए थे ताकि जो किसान ये अलग अलग जगह पर किसान कर रहे थे प्रदर्शन, जिनको रोका गया अलग अलग जगह पर। जी बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा, भगवानपुर बॉर्डर से भी किसान हरिद्वार में आ रहे थे, और नाशन बॉर्डर से भी किसान हरिद्वार में आ रहे थे, चीजापुर बॉर्डर से भी किसान हरिद्वार में आ रहे थे, लेकिन हर एक बॉर्डर पर पुलिस को तैनात किया गया था और वहीं पे किसानों को रोका गया। जो हरिद्वार पुलिस के आला अधिकारी है वो भी वहां मौके पर पहुंचे हुए थे, वहीं रुड़की में एसएसपी हरिद्वार खुद मोर्चे पर पहुंचे हुए थे, वहीं किसानों और एसएसपी के बीच नोकझोंक भी हुई, और फिर किसानों के जो नेता है एसएसपी के बाद बैठा कर जो बातें हुई है, तो क्या जो इनका जो धरना था, जो कार्यक्रम था एसएसपी कार्यालय पर धरनेबाजी करने का, एसएसपी कार्यालय को घेरने का, वो पुलिस के द्वारा उनको रोक दिया गया और वो विफल किया गया, वही बॉर्डर पर उनको रोक दिया गया है। जी जी इंतजार, क्या हरिद्वार में किसानों का कोई कार्यक्रम था जो अलग अलग जगहों से किसान हरिद्वार पहुंचना चाहते थे? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, जो धरना चल रहा है पिछले कुछ महीनों से, उसी में अपनी कुछ प्रमुख मांगों को लेकर एसएसपी कार्यालय पर किसानों को धरना करना था, जो उनको पहले उन्होंने बोला था कि एसएसपी कार्यालय का जो फला तारीख में हम घेराव करेंगे, तो उसी के अंतर्गत उसी कार्यक्रम को अंजाम देने के लिए और धरना करने के लिए किसान यहाँ पर पहुंच रहे थे, और अन्य राज्यों के किसान भी लोगों के साथ थे, तो एसएसपी हरिद्वार के नेतृत्व में जो बॉर्डर है हरिद्वार के सभी को सील किया गया था और किसानों को उन्हीं बॉर्डर पर रोका गया, और जो किसानों की मांगे थी एक विज्ञापन के तौर पर जो ज्ञापन दिया गया है, ज्ञापन किसानों ने फिर एसएसपी हरिद्वार को ही दिया है, और उसके माध्यम से उस संबंध में आगे की जो बात है वो की जाएगी। जी जी चलिए इंतजार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो रुड़की का ये पूरा मामला है जहां पर किसानों और पुलिस के बीच नोकझोंक भी हुई। दरअसल एसएसपी कार्यालय का किसान घेराव करने जा रहे थे अपनी मांगों को लेकर, और उस दौरान पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया, और इसी को लेकर पुलिस और किसानों में काफी नोकझोंक भी हुई थी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने 2 अगस्त से लगातार धरने पर बैठी आशाओं में से एक आशा धरने के दौरान अचानक बेहोश हो गई, जिससे धरने पर उनके साथ बैठी आशाएं एकदम घबरा गई, और इसी दौरान कुछ आशाएं सीएचसी में भी ड्यूटी पर बैठी थी, जिन्होंने चिकित्सकों को बुलाया लेकिन चिकित्सक केबिन से बाहर नहीं आए। बता दें और बेहोश आशा को अस्पताल में लाने के लिए कहा, जिसके बाद आशाएं बेहोश आशा को अस्पताल लेकर पहुंची, जहां तैनात अन्य चिकित्सक की तरफ से उसका इलाज शुरू कर दिया गया। आशाओं का कहना था कि स्वास्थ्य विभाग में तैनात चिकित्सक जब अस्पताल गेट तक आने में असमर्थ हैं, तो वो अन्य मरीजों के प्रति कितनी सजग होगी, इसकी दूसरी डॉक्टर की तरफ से बेहोश आशा का इलाज किया गया, और आशा लगातार धरने पर
रहने की वजह से बीमार पड़ गई थी। बता दें उसे कुछ दिन पहले भी हल्का बुखार था, लेकिन फिर भी धरने में शामिल हो रही थी। साथ ही अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर आशा वर्कर प्रदेश सरकार के खिलाफ धरने पर हैं, लेकिन प्रदेश सरकार उनकी मांगों को लेकर गंभीर नहीं है। तो बता दें लगातार 2 अगस्त से आशा कार्यकर्ताओं का यह धरना प्रदर्शन चल रहा है। ऐसे में इस दौरान धरने के दौरान एक आशा कार्यकर्ता जो है वो बेहोश हो गई। दरअसल पिछले कुछ दिनों पहले से भी उसे बुखार था और ऐसे में वो लगातार धरने पर बैठी थी, जिसके बाद वो बेहोश हो गई। अस्पताल उसे ले जाया गया तो डॉक्टर ने उसे ये कहा कि आप अस्पताल लाइए, तभी उसका इलाज किया जाएगा। ऐसे में आशा कार्यकर्ता और ज्यादा नाराज भी होती हुई नजर आई और सितारगंज का पूरा मामला है। हालांकि पूरे प्रदेश में आशा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन चल रहा है अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर। खराब नहीं होगी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एक आध बहन की हमारी मृत्यु भी होने वाली है। अगर सरकार नहीं सुनेगी तो इसी कारण कोई बहन हमारे बीच चली जाए, क्योंकि एक तो खत्म हो चुकी है 2 दिन पहले। अब इसको इतना दौड़ना है, पूरी जिम्मेदारी है, अभी वहाँ गई देहरादून गई, वहाँ से आई तो सब जिम्मेदारी पूरी हो रहा है। 25वां दिन है, छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ भी आ रही है, अपना घर भी संभाल रही है, अपने बच्चों को भी देख रही है, तो कहाँ तक हमें बीमार नहीं होगा। कुल मिला के तो बहुत सारी बहनें बीमार हो चुकी हैं इस टाइम। मेरी भी तबीयत सही नहीं है, दूसरी वजह उसके साथ में सर्विस देगी, उसको भी घर भेज दिया गया। नोएडा के थाना सेक्टर 58 में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें 2 बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए। वहीं एक बदमाश को पुलिस ने कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार भी कर लिया था। बता दें एडिशनल डीएसपी रणविजय सिंह ने बताया कि क्राइम ब्रांच और सेक्टर 58 पुलिस की टीम को सूचना मिली थी कि बीती 19 अगस्त को सेक्टर 39 क्षेत्र में तेल व्यापारी के कलेक्शन एजेंट के साथ लूट की घटना को अंजाम देने वाले बदमाश सेक्टर 58 क्षेत्र में आने वाले है। सूचना मिलते ही पुलिस ने सेक्टर 62 शिप्राकट के पास चेकिंग की थी और पुलिस ने एक बाइक पर तीनों बदमाशों को आते देखा। पुलिस ने जब बदमाशों को रोकने का प्रयास किया तो बदमाश पुलिस पर ही फायरिंग करने लगे थे। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें 2 बदमाश घायल हो गए। वहीं एक बदमाश मौके से फरार हो गया, जिसे पुलिस ने कॉम्बिंग के बाद गिरफ्तार कर लिया। तो ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, नोएडा की ये 2 तस्वीरें हैं, जहां पर अलग अलग जगहों पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है और ऐसे में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। और साथ ही बता दें पुलिस ने इनके कब्जे से लूटी हुई 8,23,000 रुपए, एक चोरी की मोटरसाइकिल और अवैध तमंचा भी बरामद किया है। वहीं नोएडा के सेक्टर 49 पुलिस और बदमाशों के बीच भी देर रात मुठभेड़ हुई थी, जिसमें एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया था। वहीं एक बदमाश को पुलिस ने कॉम्बिंग के बाद भी गिरफ्तार कर लिया था। और बता दें दोनों गिरफ्तार बदमाश शातिर किस्म के लुटेरे हैं। ये बदमाश दरअसल शातिर किस्म के लुटेरे हैं, जिसे नोएडा थाना क्षेत्र के 49 पुलिस से देर रात एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया है। सेक्टर 39 थाना क्षेत्र में 19 तारीख को एक घटना घटी थी लूट की, जिसमें एक व्यापारी के कलेक्शन एजेंट से पैसे लूटे गए थे और उस लूट में एक बाइक पे 3 सवार बदमाश थे, उन लोगों ने घटना को अंजाम दिया था। हमारी पूरी टीम जनपद की लगी थी इसमें, क्राइम ब्रांच, एसीपी सेकंड, एसएचओ 58 39, सभी लोग लगे थे इसमें। संयुक्त प्रयास में हम लोगों ने इस पूरी घटना को अंजाम देने वाले गैंग के बारे में पता किया था और उसके बाद हम लोग लगातार उनके पीछे लगे थे। आज इस जगह पे जहां हम खड़े हैं, इस जगह पे उन बदमाशों के आने की सूचना थी, हम लोगों ने इंटरसेप्ट किया। एक बाइक पे 3 लोग थे, संदिग्ध दिख रहे थे और इनका हुलिया उस घटना को अंजाम देने वाले बदमाशों से टैली कर रहा था। हम लोगों ने इनको इंटरसेप्ट करने का प्रयास किया, ये लोग रुके नहीं, इन लोगों ने हमारी टीम पर अटैक किया। जवाबी कार्रवाई हुई, उसमें जो बाइक सवार 3 लोग थे, ये इन लोगों ने अटैक किया था तो जवाबी कार्रवाई में घायल हुए। 2 व्यक्ति उसमें घायल हुए थे, एक उसमें से भाग गया था। कॉम्बिंग के बाद उसको भी हम लोगों ने अरेस्ट कर लिया है। ये 2 घायल थे, उनको तत्काल हॉस्पिटल भेजा। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।